दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप, यह यूपीएस है, नेक्सस कंपनी का यूपीएस है, 80 KVA का है। ये हमारा डिस्प्ले है जिसमें सारा डाटा दिखाता है, कितना वोल्टेज आउटपुट है, कितना इनपुट है, क्या लोड चल रहा है, कितना परसेंटेज में, कितना बैटरी वोल्टेज है, सारा डाटा दिखाता है, ऑटोमेटिक दिखाता है। और यह इनपुट इंडिकेटर है और यह आउटपुट इंडिकेटर है। अगर हमारा यूपीएस किसी वजह से ट्रिप कर जाता है तो हमें पहले रिसेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम ऑन कर सकते हैं, वरना ऑन नहीं होगा ये बिना रिसेट किए हुए। इसके लिए हमारा 40 बैटरी लगी हुई है, 5 रैक है, एक रैक में 8 बैटरी है, बैटरी है 12 वोल्ट और 75 AH की। ये यूपीएस की इनपुट सप्लाई है, इनपुट और आउटपुट यहाँ से जा रही है, ये आउटपुट की है और ये इनपुट हमारा MCCB लगी हुई है इनपुट का। यह है यूपीएस हमारे लिफ्टों के लिए है, जी हाँ, लिफ्ट के लिए यह यूपीएस लगी हुई है। यह यूपीएस में यहाँ से सप्लाई जा रही है, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे, ये हम ऑफ कर दिए और ऑफ करने के बाद हमारा यह देखिए दोस्तों, इनपुट सप्लाई की इंडिकेटर नहीं जल रही है, इसका मतलब इनपुट सप्लाई नहीं आ रही है, हमने ऑफ किया इसलिए इनपुट सप्लाई नहीं आ रही है। जैसे हम यह सप्लाई ऑन करेंगे, इनपुट सप्लाई यूपीएस में ऑन कर दिया हमने, जैसे ऑन किया और यहाँ देखिए आप, ये सप्लाई हमारी आ चुकी है, इसलिए इंडिकेटर जल ऑन इंडिकेटर दिखा रही है। ये बीप फेस की इंडिकेटर जो है ना, ये खराब है इसलिए दिखा नहीं रहा है। ये लिफ्ट हमारा लिफ्ट लगा हुआ है, लिफ्ट के लिए ही यूपीएस लगी हुई है हमारी, यह यूपीएस लिफ्ट के लिए ही है। ये देखिए एक साइड की बैटरी है। धन्यवाद दोस्तों।